असलम गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक फोर का पेज नंबर थर्टी आप ओपन करेंगे एन एन सी एंड फाइव की ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम करेंगे आज इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर टू है फिल इन इंडी ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी स्टोरी से मुनासिब अल्फाज को चूज़ करके आपने इसमें ब्लैंक्स को फिल करना है ए एन एन सी वॉज अ ट्रिक्सटर एंड ही वॉज हैविंग आ डैच टाइम तो हमने स्टोरी में रीड किया था कि एन एन वॉज हैविंग आ डिफिकल्ट टाइम तो हम यहाँ पे राइट करेंगे डिफिकल्ट डी आई डबल एफ आई सी यू एल टी डिफिकल्ट एन पीक्ड थ्रू आ गैप इन द विच फैंस हमने रीड किया था कि वो विच के फैंस में किस तरह से गया था हमने रीड किया था पीकड ई डबल ई के ई डी पीकड ट डिशियस फूड्स ही वुड फाइंड उसने इमेजिन किया था कि वो कितने लजीज खाने हासिल कर सकता है डिलीशियस डी ई एल आई सी आई ओ यू एस डिलीशियस आसकरिंग साउंड पुल्ड एनन्सी फ्राम हिज डे ड्रीम हमने स्टोरी में जैसे जैसे रीड किया था वो हमने सारे अल्फाज यहाँ पे राइट कर देने हैं आसकरिंग एस सी यू डबल आर Y-I-N-G, scurrying. A scurrying sound pulled Anansi from his daydream. She walked to the nearest mount and stood on it. She walked to the nearest. N-E-A-R-E-S-T. Nearest mount and stood on it. Anansi grinned and showed all his sharp teeth. ये हो गया नेक्स्ट हमारे पास हैं एक्सरसाइज बी में वर्किंग विद वर्ड्स वर्ड्स के साथ काम करना सी इफ यू कैन फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन दिज फोर वर्ड्स टू यूज इन द स्पेसिस ठीक है इनको आपने अच्छी तरह से रीअरेंज करना है और वर्ड्स बनाने हैं कि कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं उन्होंने राइट किया हुआ है सी ओ टी ओ आर डी आपने इनको रीअरेंज करके वर्ड बनाना है जो कि प्रॉपर वर्ड बनता है डॉक्टर ठीक है डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर तो हमने राइट कर लिया डॉक्टर यहाँ पे स्पेल जो लिखे हुए हैं इनको रीअरेंज किया तो डेंटिस्ट बनता है डेंटिस्ट ओके नर्स ये वर्ड जो उन्होंने किया हुआ है रॉन्ग में आपने इनको अरेंज किया है अगेन से तो नर्स है ये वर्ड दिया हुआ है और हमारे पास हमने इसको रीअरेंज किया है तो इट हैज़ बिकम टीचर टीचर बनता है अब नीचे हम इनको यूज़ करेंगे अ पर्सन हु ट्रीट्स पीपल हु आर सिक वो इंसान वो शख्स जो कि लोगों का ट्रीटमेंट करता है इलाज करता है जो बीमार होते हैं उनका जो इलाज करता है वो कौन होता है डॉक्टर होता है ठीक है हम यहाँ पे डॉक्टर राइट करेंगे अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर पीपल इन अ हॉस्पिटल इज़ अ नर्स वो शख्स जो कि लोगों का ख्याल रखता है कहाँ पे हॉस्पिटल में ठीक है वो कौन होता है नर्स होती हैं अ पर्सन हु चिल्ड्रन टू लर्न इज़ अ टीचर ठीक है वो शख्स जो कि बच्चों की मदद करता है सिखाने में वो कौन होता है टीचर A person who looks after people's teeth is a dentist. वो शख्स जो कि लोगों के दांतों का ख्याल रखता है वो कौन होता है डेंटिस्ट क्वेश्चन नंबर टू इज हु आर द फॉलोइंग पीपल राइट फॉलोइंगी और फोर सेंटेंसेस लाइक अबव अबाउट द पीपल शोन बिलो नीचे दिए गए लोगों के बारे में आपने थ्री से फोर सेंटेंसेस राइट करने हैं और बताना है कि वो क्या कह रहे हैं ठीक है एस यू कैन सी इन दिस पिक ये एक स्वीपर है ठीक है तो आपने स्वीपर के बारे में क्या बताना है आपने बताना है कि ही इज द स्वीपर एंड ही क्लींस द स्ट्रीट्स एंड टोड्स एंड ही कीप्स सिटी क्लीन यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये सॉल्व किए हुए हैं ये देखें इसका बेशक आप स्क्रीन शॉट ले लें ले और उसके बाद राइड करें अपनी नोटबुक्स में आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट वाले का लिखा हुआ है ही इज़ आ स्वीपर ही क्लीन्स द स्ट्रीट्स एंड रोड्स ही कीप्स सिटी क्लीन वो एक स्वीपर है और वो गलियों को और सड़कों को साफ रखता है ही कीप्स सिटी क्लीन वो शहर को साफ रखता है ठीक है नंबर सेकंड पे आ रहा है हमारे पास हॉकर ठीक है ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को गली में जो है सेल करता है और हमें घर पे हमारे डोर स्टेप पे जो वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स हैं वो मिल जाते हैं और ये शू मेकर है शू मेकर पहले हम हॉकर के बारे में पढ़ लेते हैं ही इज़ अ हॉकर वो एक फेरी वाला है ही सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन स्ट्रीट्स वो गलियों में फ्रूट्स और फल और सब्जियाँ बेचता है ही प्रोवाइड्स अस फ्रेश वेजिटेबल्स वो हमें ताज़ा सब्जियाँ मुहैया करता है ठीक है सेकेंड भी हो गया आपने राइट कर लेना है उसके बाद थर्ड है शू मेकर ये शू मेकर है ही इज अ शू मेकर वो शूज बनाने वाला है ही वो जूते बनाता है ही ऑल्सो आर शू वो हमारे जूते मुरम्मत भी करता है ठीक है ये आपने राइट करना है इसके बारे में नेक्स्ट है आप, आपके पास ड्राइवर ड्राइवर के बारे में आपने क्या राइट करना है ही इज़ अ ड्राइवर ही ड्राइव्स अ कार वो एक ड्राइवर है और वो कार ड्राइव करता है ठीक है उसके बाद ये ट्रैफिक पुलिस मैन है ही इज अ ट्रैफिक पुलिस मैन वो एक ट्रैफिक पुलिस मैन है ही लुक्स आफ्टर ट्रैफिक रूल्स वो ट्रैफिक रूल्स को की देखभाल करता है एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स और हमें हाथ से बचाता है ठीक है ये भी आपका हो गया डन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑल इन द स्टोरी फाइंड रैम इन सब के जो अपोजिट मीनिंग्स हैं वो स्टोरी में मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि इनको फाइंड करें मैंने फ़ाइंड आउट करके लिए आपके लिए राइट कर लिया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है इजी डिफ़िकल्ट ठीक है इजी का मतलब होता है आसान डिफिकल्ट मुश्किल नियरेस्ट करीब तरीन और फारदेस्ट बहुत दूर ठीक है अनकाइंड ना मेहरबान काइंड मेहरबान ठीक है डिस ना इसका अपोजिट होगा प्लेस्ड ठीक है अपियरड जाहिर होना डिसअपियर्ड गायब होना ठीक है डिस लगा देना आपने बाकी सारा सेम रहेगा डिसअपियर्ड लव्ड प्यार किया गया या मोहब्बत किया गया हेटेड नफरत किया गया यानी कि लव्ड प्यार किया हेटेड नफरत की लो नीचा हाई बहुत ऊंचा ठीक है लाइट हल्का हैवी वजनी ठीक है प्लेजेंट खुश

सिस्टर उसने अपनी बहन को एक खत लिखा ठीक है क्या लिखा उसने ही केयरफुली रॉट अ लेटर टू हीज सिस्टर उसने बहुत एहतियात से अपनी बहन को एक खत लिखा आपने इसमें क्या लगाना है केयरफुली ठीक है रॉट से पहले आपने केयरफुली लगा देना है बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने राइट किया हुआ ही केयरफुली रॉट अ लेटर टू हीज सिस्टर उसने अपनी बहन को एक बहुत एहतियात से खत लिखा ही ब्रेवली फेस्ड द टाइगर फेस्ड से पहले आपने ब्रेवली राइट कर देना है यहाँ से ही ये नंबर टू राइट किया हुआ यहाँ पे ब्रेवली ही ब्रेवली फेस्ड द टाइगर वॉज लीपिंग एट हिज थ्रोट ठीक है नंबर सी है द मैन विद द बैड लेग क्लाइंब द माउंटेन ट्रैक ठीक है यहाँ पे अब आपने लगाना है क्या द मैन विद द बैड लेग स्लोली या पेनफुली क्लाइंट से पहले आपने लगाना है स्लोली पेनफुली ठीक है या स्लोली या पेनफुली दोनों सूटेबल है इसमें द मैन विद द बैट लेग स्लोली पेनफुली क्लाइंट द माउंटेन ट्रैक ठीक है नेक्स्ट है द एरो स्विफ्टली या स्ट्रेट द एरोट थ्रू द टारगेट ठीक है आई एम गोइंग टू माई फादर्स हाउस टुमारो या इमीडिएटली आई एम गोइंग टू माई फादर्स हाउस टमोरो या इमीडियटली द मैन विद द बंडल ठीक है द मैन विद द बंडल शाउट लाउडली या एंग्री ठीक है नजर आ रहा है ना आपको ये लाउडली या एंग्री यहाँ से लिए हुए हैं बर्ड्स एंग्रीली ये लिखा हुआ है और लाउडली ये लिखा हुआ है ठीक है दोनों सूटेबल हैं जो भी आप लगाना चाहें बेशक दोनों राइट कर दें जैसे मैंने किए हुए The man with the bundle shouted loudly, angrily at his junkie. The girl danced beautifully, ya gracefully, but didn't sing at all. The girl danced beautifully, gracefully, but didn't sing at all. The boy sped down. The boy sped straight, straight down the steep road on his cycle. The boy sped straight down the steep road on his साइक ठीक है डन हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और इसे क्लास वर्क एंड होमवर्क में राइट करना है अच्छी तरह से और मुझे क्लास वर्क एंड होमवर्क की पिक्स सेंड करनी है और वीडियो आपने लेसन सुनाने की अपनी मम्मा को लेसन सुनाना है और वीडियो साथ में कैप्चर करनी है और मुझे सेंड करनी है ठीक है नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय